मील नंबर वन। सो गाइस बड़े टाइम बाद म्यूसली खाने जा रहा हूँ आज मैं। 1.5 स्कूप वे और 60 ग्राम म्यूसली मसाले वाली। सो हाय गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। फिर से व्लॉगिंग का चस्का चढ़ गया अपने आप को और अभी फटाफट से चलते हैं, ये अपना थोड़ा हुलिया सुधार लूँ। ये दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी बढ़ गई है, पापा ने कल सुनाया है कि क्या है जंगली बन के घूमता है, बी आर सिविलाइज्ड मैन, थोड़ा शार्प लुक आना चाहिए। बाल बाल तो ठीक से ही है, बस दाढ़ी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की करा लेंगे भाई। ये लो फिर देसी लाइफ स्टाइल, वो देखो ग्रीन ग्रीन, वो देखो लाला आई मीन गेहूं। गाइस न्यू फोन और व्लॉगिंग चल रही है फोन पे। कौन से तो कर रहा है, फोन तो नया है और चलिए बाकी दिल्ली गए, पूरी घट्टी कर ली है। वो आ गया, उसका नाम क्या है, सेकंड का सात सेकंड छोले बाबू का छोला आ गया, 7 सेकंड आ गया और इल्यूमिनाटी आ गया और इल्यूमिनाटी आ गया और रुक जा और नाम क्या लूँ, टट्टा टट्टा आ गया और उसको क्या बोले मैं, उसको मन्नू इजड़ा आ गया, इजड़ा। अब नाम मैंने ले दिया, अब जब जब मिलेंगे आपको बताऊंगा कि वो बंदा कौन क्या था। देखो जस्ट दिल्ली थे। अरे भाई साहब क्या हो गया, अभी आया हूँ मैं, ऐसे ही बना रहा हूँ चुटके बनाना लड़ू। सो गाइस एक और दोस्त आ रहा है, 7 सेकंड, 7 सेकंड नहीं वो तो आ गया, 7 सेकंड 7 7 तलवार आज के लड़के, ये बैज जो इतनी गर्मी में खड़ा करवा रहे हैं, खड़ा तो नहीं हो रहा है सभी नहीं हुआ। सो गाइस ये देखो हमारा 7 सेकंड भाई कैसे बैठा हुआ है, आए! ये है अभी गिरते, ये है हमारा 7 सेकंड भाई हमारा 7 सेकंड भाई फर्स्ट गाय यही बैठो, बोर भी बहुत कम हो गया यार। विजय सेल्स के बाहर मिलेगी दिल्ली यहाँ यहाँ पे। सो गाइस आज हो गए क्लीन शेव, कर दे। अबे नहीं भाई ऐसे अच्छा लग रहा हूँ, कब तक भाई कंफर्ट जोन से, भाई तुम तो मेरी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे कर दोगे बहन के टाको। एक बार हो जा आज, अबे हो जा, अच्छा लग गया तू गंजा हो जा, हमसे बड़ी है क्या गंजा भी हुआ था, बस गड्डी तो करा था, हमसे बड़ी है क्या दाढ़ी तेरे लिए, हम तेरे को कह रहे कटवा ले, क्या आदमी है, अच्छी आ जाएगी हां बहन की टांग, एक बार कह रहे कटवा ले बात खत्म कर, टी-शर्ट इसी ले लेंगे मसलेस तेरी तो है एक्सेल साइज है। वैसे कल पापा नहीं बोल रहा है क्लीन शेव हो जा, तो पापा के दोनों पापा भी बोल रहे हैं, वो पापा क्या बोल रहे हैं, हो जा ओके पापा सॉरी पापा। अबे इनको बैक कंटेंट भी तो बता दिया अगर लोगों को कि अभी तो हंसते हैं ये बात, और ये थोड़ी बताऊंगा मैं, अरे कुछ अच्छा ऑडियो को नहीं बतानी। सो गाइस ये सॉरी पापा वाला सीन ही है, नहीं यार। सो गाइस आप पूरे व्लॉग में देखते रहते हो सॉरी पापा वो चीज़ ये है कि कुछ गलती हो गई थी मेरे से एक बार बहुत बड़ी और पापा ने मेरे को पकड़ लिया था, तो मैंने फिर सॉरी पापा बोला और मैंने इनको वो बात बता दी, तब से सॉरी पापा करते रहते हैं, बस ये कॉन्टेक्स्ट है आप मजे लो। और एक बात बताओ आज जिम में क्या करना है, बैक। ओके सो गाइस आज बैक वर्कआउट दिखाऊंगा आपको एकदम तगड़ा वाला, ओके हाँ मजाक से हट के। सो गाइस फाइनल डिसीजन ले लिया है क्योंकि पापा ने कहा था क्लीन शेव करा ले और फॉर आर न्यू चेंज, नई लाइफ शुरू हो गई है आपसे, सो यस ओके 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 पापा, थैंक यू सॉरी पापा, सॉरी पापा अगर बुरा लग तो देखते कैसे लगता है, अभी ऐसा लग रहा हूँ देख लो, पूछे रखूँगा पहले फिर ये आप पूछे रखूँगा फिर देखते हैं, आ जाओ भैया कर दो मेरा ही ये अगर बुरा भी लगा तो कोई नहीं भाई, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो है जो भी है वो मेरी शक्ल से नहीं है, इट्स जस्ट मी, अ पर्सन इज एन एनर्जी नॉट अ पर्सन, बहुत बढ़िया कुछ कह दिया। सो गाइस हल्की सी झलक है बस, बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे, रखू रखू पंगाल लग रहा है, पंगाल बोल हां बोल हां बोल चाटी है अमित पंगाल, अमित पंगाल फौजी 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 पुरानी पुरानी पिक्चरों का वो वो लगा दी किसी ने काली नाग, काली नाग काली लग रहा है कि
21-22 साल का है, पहले अंकल लग रहा था, ठीक है बच्चा था, सही लुक आ गई। सो गाइस कैसा लग रहा हूँ फटाफट बताओ, बेंचो अभी भी वो करने की आदत रही है, गई नहीं, ओके है, बोले लोग चले जाते आदत रह जाती, वो कर दियो तुम, ये सिर्फ मैंने अपने माइंडसेट के लिए करा है। तेरी बाकी चु तेरा माइंडसेट प्रेजेंट में जियो गाइस, बढ़िया लग रहा। बाकी एक बात बताओ, मेरा चूता तो नहीं बनाया तुमने? नहीं नहीं भाई, अच्छा लग रहा है, सही में सच में स्मार्ट लग रहा है। चलो फिर बढ़िया है, पापा को वीडियो भेज देता हूँ, खुश हो जाएंगे, सीधा पैसे भी तो लेने हैं, रिएक्शन रिएक्शन जिंदगी भी तो लेनी है, रिएक्शन सीधा। हाँ चप्पल नहीं आ रहा कौन है, बस यार यहाँ पे ना ये कट कुट लग गए हैं और ये दाने उभर गए हैं थोड़े से, ये ठीक हो जाएंगे अगली बार में ना। So guys, अब जो जो भाई आएगा सबके रिएक्शन लेगी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, या तो बहुत बेइज्जती होने वाली है या तो अच्छा लग रहा है। बोल भाई बढ़िया पक्का, माँ कसम सही लग रहा है, पहले से ऐसे ही रहा बढ़िया, डाउट्स हो रहा है इनकी शक्ल देख के बैठ के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो जो भी नाम लिए थे पीछे वो सब आएंगे, उनसे नाम बता के फिर आपसे रिएक्शन लेते हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। भैया मेरे साइज की होगी भैया, रिएक्शन उसको दिखा रहा, लड्डू मेरे से दिखा रहा है। अब सिक्के की बारी, इसको भी क्लीन शेव करो, अब सिक्के की बारी, ट्रिमर दे ट्रिमर दे ट्रिमर दे, अबे ट्रिमर दे भाई, कैसे लग रहे भाई, ऑनेस्ट ऑनेस्ट, अबे जगह ही बंद हो गई भाई, लैपटॉप भाई, एक ना फोटो थी, मतलब जब मैं छोटा था एक फोटो शूट कराया था मैंने, तो वो वाली फोटो यहाँ लगाऊंगा, बिल्कुल सेम वैसी शक्ल आ रही है। हाँ वो भी डिम्पल आता तुम्हारे भाई के बैंड की। सो गाइस अब आ रहा है नीचे बारडोस का सौदा, द क्लबिंग है, डिचिक डिचिक, अब इसका रिएक्शन लेते हैं कैसा होगा। ये जो डार्क सर्कल्स है ना ये थोड़ी लुक खराब कर रहे हैं, अब जब स्ट्रेस कम होगा तो डार्क सर्कल्स हट जाएंगे, है ना। ऐसी भाई फॉर अ चेंज अच्छा लग रहा है, लेकिन मुठिया दिख रही है। आजा अब ऐसे बार्डोस भाई, आपने ये फुल टी शर्ट क्यों डाली है भाई साहब, द बैड की बाबू छोड़ो, क्या कर रहा है, बालों में बंद, अबे मुंह पे आंखें भी तो काली हो जाएंगी, बड्डी ऐसा मत करो भाई, बैड चोर, मेरे को भी करना पड़ेगा ये हैं, भाई रिएक्शन भाई, ओ पहन दी लन पहचाने नहीं, रिएक्शन अब फुद्दी दी फोन दी यार, रिएक्शन तो दे क्लीन शेव, पहचान नहीं आ गया, अरे जा लक्की यार, और देख बैड़ी जो लैला कह रहा भाई गाली ना दियो मैनू। सो गाइस 15 बंदों को फोन कर दिया कि यहाँ आ जाओ, बढ़िया है ये खुला है कैफे वैफे, बट कैफे ही बंद हो गया, अब 15 बंदे आ गए हैं, अब क्या करा जाए। सो गाइस इल्यूमिनाटी आ गया, अब इसका रिएक्शन लेते हैं, 1 2 3 क्या हो गया भाई, हंस क्यों रहा है भाई, ये क्यों कर लिया तूने, हंस क्यों रहा है, कैसा लग रहा है भाई रिएक्शन, ऑनेस्ट टट्टो वो तेरी बैंड, अबे उसमें बोल सरल भाषा में, सरल भाषा में जब अपने वरुण पे से मैं बाहर हटा देता हूं ऐसा लगता है, राइट है भाई, तूने क्या कर लिया भाई मेरे भाई, क्या अबे तूने मेरे को पहली बार देखा ना क्लीन शेड से, तेरे को लग रहा है, हां रॉयल स्ट्राइक ले ले मेरे लिए, अबे और इन ट्यूटोरियल 40-40-20 कैचिंग किंग मुठल किंग
उसको नहीं, वो मैं रॉक स्टार। वेरी गुड। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर गोलगप्पे एज प्री वर्कआउट। भाई धूप आ रही है, भाई धूप आ रही है। बाकी अभी अंडे खाए हैं, 4 एग वाइट्स और 2 अंडो ऑमलेट, नहीं 3 अंडो ऑमलेट और 2 ब्रेड। तो अब चलेंगे फिर। ये तो बहुत बड़ा है, वो भी यही कहती थी। गाइस अब घर पहुंच गए, अब मम्मी और पापा का रिएक्शन लेते हैं फटाफट। पहले ऐसे कर लेता हूं, फोन ऐसे रखूंगा ताकि उनका रिएक्शन देखे, मेरी शक्ल देख क्या करूंगा। 1 2 3 हाय मेरी डार्लिंग, सही है, मजा नहीं आ रहा। अच्छा सुंदर, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, अब जेन्युइन लग रहा है। एमी गुंडा सा बन के फिर रहा था लफंगा, वो तो अभी भी हूं पर अब लग नहीं रहा। हुन मैं कुट काट भी दे लूंगा सोविता जी, अब मम्मी की बारी। मां 1 2 बोलो कुछ, हंस क्यों रहे हो? पहली बार देखा था सुनो ना। ये तो गलत बात है यार, सही तो लग रहा हूँ। हैं नहीं अजीब लग रहा है शुरू में तो मैं पहले भी तो ऐसी था नहीं, कभी भी नहीं जब स्कूल में था, स्कूल में था अब थोड़ा था तो अभी तो वैसी ही गलत, इतने सालों से ऐसे थोड़ा देखा, सही है ना, पहचानना ही नहीं जा रहा। जवान लग रहा हूँ या बुड्ढा? बच्चा लग रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके, हंसी जा रही है मम्मी तो मत करवाएगा ऐसे, ठीक है, सही तो लग रहा है। तो कैसी बातें कर रहे हो, ये पैसे मिल गए बस। ओके है, बाकी अभी भी आदत हो जा रही है ऐसे करने की, ऐसे करने की। आ जा भाई यार, ब्लॉक करना पड़ रहा है सर। अभी देख दतले ऊपर जाएंगे, मन्नू देख के देखो कितना ओवर रिएक्ट करेगा। मन्नू गया इसकी बहन की, कितना कंजर आदमी है भाई। इसने बोला 1 बजे आएगा, मैंने कहा आ जा, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बजे आया, फिर 10 मिनट बाद कह रहा कि भाई मैं चले जाऊंगा घर, तुम मेरे को लेट कर रहे हो। अभी बताता हूँ मनीष रिएक्शन भाई कराओ, करम भोला को देखना चाहते हो नंगा तो 21 में देख। इधर भाई इधर, अबे भैंस वाला मीठा तू लगा दिया करा दिया तूने, शौक क्यों हो गया भाई, क्या लग रहा तू ऐसे बोल रहा है मीठे, उसको बोले डायलॉग मार तेरे बाप ने, ये ब्रा दे बोर्ड दिख रही है तेरी ब्रा, ऐसे ही बोलते ओए बोले डायलॉग मार सीधे खाता किया वाला। अबे फोन डाल दो मिनट देखने ले यार, तेरे पापा की तरह लग रहा भाई। हां जब नींद वाले आ गया ये तो नहीं आता, ये तो शेप करा के लगता है, लगता तो है इसकी तरह सेम। भाई ये गिनना कैसा बंदा है, पूरा वार्म अप वगैरह, और कहाँ जा रहे है भाई, कहाँ ये या ये जोन में आ गया, क्या टट्टी करने जा रहा हूँ। सो गाइस अब सीरियस वर्कआउट करूंगा, बैक वर्कआउट, बाकी आज तो आपको बैक वर्कआउट दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अभी थोड़ा फ्लो में आ जाओ, फिर आपको सारे वर्कआउट वगैरह भी आपको बता दूंगा ना क्या क्या करते हैं। बीच में आप क्लिप्स एंजॉय करो, फुल फाड़ नहीं है। ये ले लिया, ये लोड कर लिया है, ये शांत कर लिया है, नाउ लेट्स गो।
ऋषभ 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 क्या Enjoying the set, man. Show them. मैं तो घर जा रहा हूँ भाई. फर्स्ट डे ऑफ बॉडी, ताजी को फोन कर ले आ जाएगा. फर्स्ट डे ऑफ बॉडी बिल्डिंग बैक डे, वेरी गुड. जो आपने अभी वो देखा होगा टी बार का सेट. और कितने किलो था भाई? 120 125 किलो भाई. यू मारा 10 रैप, बढ़िया था. सही थी. तेरे को पंप कैसे किया था मैंने? अबे गांड फट गई भाई. ये सब भरा पड़ा है. अब कल ऑफ लेना ही पड़ेगा, फिर देखते आगे का. बाकी एक आधा हफ्ता रुक जाओ, थोड़ा रूटीन में आ जाऊं, फिर वर्कआउट शेयर करूंगा आपके साथ, है ना? फिर कुछ शेयर क्या यार, बॉडी बिल्डिंग में कोई फिक्स वर्कआउट थोड़ी ना होता है. मतलब भाई इससे बढ़िया आएगा. हां हमारा स्टाइल है पहले फिर फील करके मारो. पहले एक प्री एग्जॉस्ट सेट. प्री एग्जॉस्ट? हां पहला प्री एग्जॉस्ट सेट. पहला फिर पागल हो गया. नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया. वाह हो गया. उसको देख आशिक को. ओए पोचे, दस साल से टी शर्ट चला रहे है, कहाँ चले जाते हैं बात करते करते. वो देख पागल कर रही. अच्छा अच्छा चल, इनसाइड जोक्स नहीं लाने भाई. अगर आपको चाहिए इनसाइड जोक्स ज्वाइन करो. ज्वाइन करो. कहाँ जा रहा है भाई? चली जा रहा है, चली जा रहा है. एक बार ऐसा हेड कलर था जिनसे वापस हो गया था सिद्धार्था. और उसको लव को तो देख, नोएडा से पैदल आ गए. दिल्ली कह रहा हूँ लव सूजी भाई, नोएडा सेक्टर 18 से या पटेल नगर पैदल आ गए. 12 बजे निकला, 8 बजे पहुंचा. एक से एक चिरांड है हमारे पास. सबसे बड़ी एरी पूरे तेरे में 0.9x भी होता है. I don't know bro. So guys, post workout meal, healthy wheat bun wala chicken burger, double patty. ज़्यादा सूखा हो गया. सॉसेज कम बोल दी ना. गुड.